सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए व्लॉग जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, उसी का सेकंड पार्ट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी हम लोग आए हुए हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत म्यूजियम में। जी हाँ दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के ठीक सामने ये म्यूजियम है। हम लोग इस म्यूजियम में घूमने जा रहे हैं अभी, और आपको पूरा म्यूजियम बहुत अच्छे तरीके से घुमाया जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखें जैसे आपने पहले वीडियो को देखा है, और आपने अगर नालंदा विश्वविद्यालय का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को भी चेकआउट करें, क्योंकि हमारे बिहार की शान की बात है, हमारे बिहार में भी ऐसे ऐसी जगह हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना तो बनता है। तो गाइज, ले चलते हैं आपको इस म्यूजियम के अंदर। यहाँ पर जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर पर्यटन सूचना केंद्र है, यहाँ से आप जो भी जानकारी चाहते हैं आपको मिल जाएगी। और सामने एक घंटा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर हमारा कैफेटेरिया भी है, तो आप अगर चाहें तो इस जगह को विजिट कर सकते हैं अगर आप यहाँ म्यूजियम में आते हैं तो। बाकी आप कैंपस ही देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर यहाँ बगीचा बनाया गया है और काफ़ी हरे भरे पेड़ हैं। तो आपको यहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बहुत ही शांति भरा माहौल, ठंडी ठंडी हवाएं, मीन्स दिल को सुकून देने वाला ये जगह है। सो गाइज, हम लोग अब आ चुके हैं इस पुरातत्व संग्रहालय नालंदा में, इस म्यूजियम के अंदर हम लोग आ चुके हैं। और गाइज, ये कैंपस देखिए आप, सच में ये कैंपस भी काफी खूबसूरत है। यहाँ पर सभी तरफ, चारों तरफ मतलब बहुत ही हरे भरे पार्क बने हुए हैं, फूल हैं। बैठने की व्यवस्था शायद इसमें नहीं है, यहाँ एंट्री अलाउड नहीं है इस पार्क के अंदर। बाकी आप देखिए, शॉर्ट्स की भी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। बाकी हमारे ये ग्रुप के लोग हैं, एंड आप देख सकते हैं कटिंग, ये सारे फूल मतलब बहुत अच्छे हैं। और गाइस, ये सामने रहा म्यूजियम, तो हम लोग चलते हैं इस म्यूजियम के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा इस म्यूजियम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि अंदर वीडियो अलाउड है कि नहीं, पहले मुझे पूछना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर का सीन दिखा पाऊंगा अगर मौजूद हुआ तो। तो गाइज, आप ये देख सकते हैं, ये है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम गया, और ये गेट रहा, यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। एंड बाकी आप देख सकते हैं, यही है वो म्यूजियम। आपको मैं क्लोज लुक बाहर से दे देता हूँ, आप जब भी आए तो यहाँ घूम सकते हैं। सो गाइज, इस म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, सो गाइज मैं आपको इसके अंदर का सीन नहीं दिखा पाऊंगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी आप कैंपस देखिए, और इस गेट से अब हम लोग अंदर जाते हैं, बट कैमरा यहाँ पे अब बंद होता है। सो गाइज, हम लोग ये म्यूजियम घूम के निकल चुके हैं। सॉरी गाइज, आपको हम ये म्यूजियम नहीं घुमा पाए क्योंकि अंदर फोन वगैरह सख्त मना है। सो बाकी बाहर का कैंपस हम आपको दिखाते हैं जो भी है। बाकी मूड ऑफ हो गया गाइस, क्या कहूँ मैं, बहुत सोच के आया था कि म्यूजियम में आपको घुमाऊंगा। सच में गाइस, इस म्यूजियम में क्या क्या था मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। यहाँ पर काफ़ी प्राचीन समय के कुछ खंडित मूर्तियाँ थी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का यहाँ जो अवशेष है उसी के आस पास से कुछ मूर्तियाँ बरामद की गई हैं जो कि खंडित रूप में है, मतलब कुछ टूटी है कुछ है, तो वो सभी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कुछ फोटो लगे हुए हैं गाइस। इसी तरह के कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ इस म्यूजियम के अंदर मिलेंगी आपको, और भी यहाँ कुछ अगर फोटो होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि सॉरी गाइस, अब कर ही क्या सकते हैं जब यहाँ कैमरा मना है तो। गाइस, यहाँ पर इस म्यूजियम के बारे में थोड़ी बहुत कुछ बातें बताई गई हैं, तो आप चाहें तो इस म्यूजियम के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं कि इस म्यूजियम में क्या रखा हुआ है, ताकि जब आप यहाँ आएँ तो इसको घूमने में आपको।